हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का TDSF वर्ल्ड चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं ग्रैंड i10 न्यूज़ का एक वाकारण वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ग्रैंड i10 न्यूज़ का एक ब्लू कलर वेरिएंट का कार। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसमें कुछ डिजाइन चेंजेस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है विथ डे टाइम रनिंग LED लैम्प, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉग लैम्प दिया गया है जो कि भी एक प्रोजेक्टर लैम्प है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्बो का बैजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्पोर्ट्स वेरिएंट है और इसमें जो इसका जो इंजन है ये 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है। तो यहाँ पे है Hyundai का लोगो। तो गाड़ी कुछ साइड से इस तरह का दिखता है आप लोगों को। इस वाला मॉडल में आपको अलॉय व्हील मिलता है और इसका अलॉय व्हील भी देखने में बहुत ही सुंदर है। तो चलिए जाके देख लेते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो यहाँ पे उसका पावर विंडोज का स्विच वगैरह दिया गया है और ये रहा उसके AC का वेंट जो कि एक रेड कलर का लाइनिंग पे आता है और देखने में बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है ये। क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो इसमें कुछ अलग सा लाने के लिए कंपनी शायद इसमें डुअल कलर दिया है उसका AC वेंट में। ये रहा उसका मीटर कंसोल और ये रहा उसका स्टीयरिंग विथ म्यूजिक कंट्रोल। पहले के ग्रैंड i10 के मुकाबले इस वाला न्यूएस्ट वर्जन में उसका मीटर कंसोल बहुत ही स्पोर्टी लुक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है और उसके नीचे AC वेंट है जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक में आता है और नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगा और उसके साथ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा आपको। और यह है गियर बॉक्स उसका। यहाँ पे दो वाटर बॉटल रखने के लिए भी जगह है। तो गाड़ी लगभग डुअल कलर में आता है और इसका जो कलर चूज किया गया है ये बहुत ही देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ पैटर्न भी देख सकते हैं आप डैशबोर्ड के ऊपर जो कि एक हनीकॉम जैसा एक पैटर्न दिया गया है और वो फील करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और गाड़ी का जो इंटीरियर का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और ये रहा उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का नॉब वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। यहाँ पे एक पावर आउटलेट भी दिया गया है, आप अगर चाहेंगे तो उसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम भी है तो इसके ऊपर ये जो पैड दिया गया है उसके ऊपर आप आपका मोबाइल का भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसका जो AC है बहुत ही पावरफुल है, कम टाइम में वो पूरा चैम्बर को कूल कर देगा। और इसका जो डैशबोर्ड का लुक है बहुत ही सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक दिया गया है, कोई क्लमजी नहीं है इसमें, कोई डिजाइन नहीं है इसमें, तो देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है। और गाड़ी का जो मटेरियल क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा कुछ उसका साइड का जो स्विचेस वगैरह। यहाँ पे उसका हेडलैम्प एडजस्ट करने के लिए भी दिया गया है स्विचेस वगैरह। स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर स्टीयरिंग जो माउंट है उसके ऊपर एक Hyundai का लोगो भी दिया गया है वो स्टील क्रोम के ऊपर। चलिए जाके देख लेते हैं उसका पीछे के सीट से कार कैसा दिखता है। तो पीछे भी एक पावर विंडो दिया गया है पीछे वाला विंडो को कंट्रोल करने के लिए। और एक इसमें एक अच्छा बात है कि यहाँ रियर AC वेंट भी दिया गया है तो पीछे बैठने वाला पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक पीछे AC वेंट भी दिया गया है। तो गर्मियों के टाइम पे बहुत ही सुविधा रहेगा लोगों के लिए। और पीछे में भी एक 12 वोल्ट का चार्जर आउटपुट दिया गया है। तो पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह का दिखता है, पीछे वाला सीट से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसका लुक कुछ इस प्रकार दिखता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। गाड़ी में दो लाइट दिया गया है, एक फ्रंट के तरफ एक दिया गया है और बीच में एक दिया गया है। तो आप पूरा का पूरा व्यू ले सकते हैं पीछे से और आपको एक अंदाजा भी आ सकता है पीछे से गाड़ी कैसा दिखता है और उसका डैशबोर्ड किस तरह का है। इसका जो पीछे का AC है वो भी बहुत पावरफुल है और उसमें
एक रोटरी नॉब भी दिया गया है उसको एडजस्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बहुत इंजॉयबल है और लोग उसको बहुत ही पसंद करेंगे। उसका डिज़ाइन बहुत मिनिमलिस्टिक रखा गया है और वो इंफॉर्मेटिव भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, हनीकॉम पैटर्न में दिया गया है म्यूजिक सिस्टम का पेंट। तो ये जो गाड़ी है वो 4 स्पीकर में आता है। तो यहाँ पे कुछ वाटर बॉटल रखने के लिए भी एक जगह दिया गया है, तो 1 लीटर वाला वाटर बॉटल भी आप रख सकते हैं उसमें। ये रहा गाड़ी का अलॉय व्हील, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और ह्युंडई का लोगों के साथ आता है। ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी मिल जाएगा और जो उसका टॉप वेरिएंट है गाड़ी का उसमें भी आपको ये अलॉय व्हील मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रैंड i10 का एक लोगो दिया गया है और ये उसका जो देखने में भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी आप हनीकॉम पैटर्न देख सकते हैं। तो इसका जो ये हनीकॉम पैटर्न है ये चारों तरफ दिया गया है, एक उसका स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन हो गया है। तो चलिए गाड़ी के आगे जाकर उसका इंजन में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा गाड़ी का इंजन बे, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है। ये इंजन 4 सिलेंडर में आता है और इसका 98 ब्रेक हॉर्स पावर है, जो कि 600 RPM में है और ये 171 न्यूटन मीटर देखने में सक्षम है। तो नॉर्मली एक फॉरवर्ड ड्राइव सिस्टम है जिसमें इसका जो आगे का व्हील है वो पावर ऑफ होता है। और आप जान के खुश होंगे कि इसका जो इंजन है ये BS6 में आता है, तो इसका जो रेटिंग है ये BS6 है। तो इसमें जो एमिशन होगा बहुत ही कम रहेगा, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है उसमें बहुत ही कम रहेगा और नेचर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। तो ये रहा गाड़ी का कुछ स्पेसिफिकेशन इंजन का। तो इसका जो माइलेज है वो ARAI माइलेज कुछ 22 किलोमीटर पर लीटर दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर जो फीडबैक है कस्टमर जो इसको खरीद रहे हैं उनका अगर फीडबैक ले तो ये नॉर्मली 18 से लेकर 20 तक उसका माइलेज एवरेज माइलेज दे देता है। तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे नियोस का कुछ लोगो दिया गया है पीछे और उसका कैमरा भी है, पार्किंग कैमरा। तो चलिए उसका बूट स्पेस भी थोड़ा देख लेते हैं। गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो 260 लीटर में आता है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ें रह सकता है। और इसका जो टायर का साइज है वो 175/60 R15 वाला साइज है। तो क्योंकि ये 15 इंच का व्हील है तो इसमें आपको ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा। इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो 37 लीटर्स का है। और इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए हर तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। इस गाड़ी में ABS के साथ EVD भी है, और इसका जो ABS है ये 4-चैनल ABS है, और इसमें डुअल एयरबैग भी दिया गया है, एक ड्राइवर के लिए और एक को ड्राइवर के लिए। इस गाड़ी का प्राइस 5,05,000 रुपये से लेकर 8,04,000 रुपये तक जाता है। आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।